कोई राज्य कितनी तेजी से विकास कर सकता है, यह वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश को देखकर समझा जा सकता है। नोएडा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में हो रहे तीव्र विकास ही नहीं, अति शीघ्र अब इस राज्य को एक और मेट्रोपॉलिटन सिटी की सौगात मिल रही है, जहां पर अब मेट्रो भी दौड़ेगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखपुर बनेगी मेट्रोपॉलिटन सिटी तथा गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी एवं वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर को भी महानगर घोषित कर दिया है। बीते शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। महानगर बनने के साथ ही अब यहां पर मेट्रो के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने गोरखपुर नगर निगम के अतिरिक्त 3 नगर पंचायत व 8 विकास खंडों को भी सम्मिलित कर इसे महानगर क्षेत्र घोषित किया है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश सरकार गोरखपुर में मेट्रो चलाना चाहती है, परंतु कम जनसंख्या होने के कारण से यह नगर उस सीमा में नहीं आ पा रहा था। इसके लिए नगर को मेट्रोपॉलिटन सिटी अर्थात महानगर होना आवश्यक है। और इसका बड़ा कारण है कि इसके बिना केंद्र सरकार से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंशदान भी नहीं मिल पाता। इसलिए प्रदेश सरकार ने गोरखपुर नगर को महानगर घोषित कर दिया है तथा नगर विकास विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार गोरखपुर महानगर क्षेत्र में अब गोरखपुर नगर निगम, नगर पंचायत पिपराइच, नगर पंचायत पीपीगंज, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के अतिरिक्त चरगावा, खोराबार, पिपराइच, सरदार नगर, पिपरौली, जंगल कौड़िया, कैंपियरगंज व भटहट विकास खंड के संपूर्ण क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात गोरखपुर अब महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है। यह भी बता दें कि गोरखपुर को महानगर बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी। इसकी नींव गोरखपुर विकास प्राधिकरण अर्थात जीडीए की सीमा विस्तार के साथ ही पड़ गई थी। जीडीए की सीमा विस्तार में जिन गांवों को सम्मिलित किया गया है उन्हें महानगर क्षेत्र में भी सम्मिलित कर लिया गया है। गोरखपुर महानगर अब चौरी चौरा, पिपराइच एवं पीपीगंज तक हो गया है। गीडा क्षेत्र में सम्मिलित सहजनवा भी अब नगर का ही भाग होगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात से ही गोरखपुर का विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जब उन्होंने जीडीए सभागार में अपनी पहली बैठक की थी उसी समय महानगर क्षेत्र की रूपरेखा के बारे में चर्चा हुई थी। उसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से कार्य हुआ। योजना पर काम करते हुए चारों ओर सड़कों का जाल पहले ही बिछ चुका है। नगर के चारों ओर रिंग रोड के अंतिम चरण का कार्य भी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। रिंग रोड की कार्य योजना बनाने के साथ ही इसके आसपास आने वाले गांवों के विकास की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। यह भी बता दें कि जीडीए की सीमा में पहले जहां महानगर के अतिरिक्त 100 गांव से भी कम सम्मिलित थे, वहीं सीमा विस्तार के पश्चात 319 गांव जीडीए का भाग हैं। तथा जीडीए ने नया गोरखपुर बसाने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी है। कालेसर से जंगल कौड़िया, जंगल कौड़िया से जगदीशपुर, जगदीशपुर से कालेसर रिंग रोड का 2/3 भाग तैयार हो चुका है। अंतिम भाग को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस रिंग रोड के दोनों ओर नगर का विस्तार तेजी से किया जाना है। यही नहीं, प्रदेश सरकार गोरखपुर में लाइट मेट्रो ट्रांजिट परियोजना के अंतर्गत 3 कोच वाली लाइट मेट्रो चलाना चाहती है, परंतु कम जनसंख्या के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना स्थिर थी। किंतु अब प्रदेश कैबिनेट से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हरी झंडी मिलने के पश्चात गोरखपुर में मेट्रो का मार्ग प्रशस्त हो गया है तथा नगर की सीमा तो बढ़ेगी ही, साथ ही विकास की गति और तीव्र होगी। बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर नगर में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना अर्थात LRT के अंतर्गत 3 कोच वाली लाइट मेट्रो का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। कैबिनेट ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR को अपनी स्वीकृति भी दे दी है। केंद्र की अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा तथा वर्ष 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।
गोरखपुर मेट्रो की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि डीपीआर के अनुसार गोरखपुर मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे। दोनों कॉरिडोर पर कुल मिलाकर के 27 स्टेशन बनाए जाएंगे एवं सभी स्टेशन एलिवेटेड अर्थात ऊपर बनाए जाएंगे तथा गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 4,672 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गोरखपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि पहला कॉरिडोर श्याम नगर से लेकर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक 15.14 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। अनुमान है कि वर्ष 2024 में 1.55 लाख लोग इसमें प्रतिदिन यात्रा करेंगे। यह संख्या वर्ष 2031 में बढ़कर के 2,05,000 तक होगी, जबकि अगले 10 वर्ष में अर्थात 2041 तक इसमें 2,73,000 लोग प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त गोरखपुर मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसड़ के बीच में बनेगा, जो 12.70 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। अनुमान है कि वर्ष 2024 तक 1.24 लाख लोग इसमें प्रतिदिन यात्रा करेंगे। यह संख्या वर्ष 2031 में बढ़कर के 1.73 लाख होगी, जबकि अगले 10 वर्ष में अर्थात 2041 तक इसमें 2,19,000 लोग प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। यदि आप मेट्रो और लाइट मेट्रो में थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो हम आपको बता दें कि लाइट मेट्रो में 3 या 4 कोच ही होते हैं। एक कोच में 100 यात्री सफर करते हैं। इसके स्टेशन भी छोटे होते हैं। कम जनसंख्या अथवा छोटे नगरों में यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार की है। लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट में काफी समानताएं मेट्रो की तरह हैं, परंतु इसमें सारी सुविधाएं मेट्रो की तरह नहीं होती हैं। लाइट मेट्रो लाइन के ट्रैक के किनारे फेंसिंग लगाई जाती है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ऊपरी रूट तैयार किया जाता है। बता दें कि गोरखपुर मेट्रो ट्रेन की लंबाई के 1/3 भाग में ही प्लेटफॉर्म पर शेड लगेगा। इसमें एक्सरे स्कैनर, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट, कॉन्कोर्स जैसी सुविधाएं नहीं होंगी। एलिवेटेड रूट पर ही ओवरहेड स्टेशन बनेंगे। इसमें एक ही एंट्री और एग्जिट गेट होगा तथा लाइट मेट्रो में यात्रा के समय अवधि में नियम तोड़ने पर आम मेट्रो से अधिक अर्थदंड लगाने की बातें भी सामने आई हैं। इन सब के अतिरिक्त एक और नवीन जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को एक और एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आरंभ होकर बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। अर्थात गोरखपुर की सीधी कनेक्टिविटी अब सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी होगी। बता दें कि देश में अभी लगभग 1800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 930 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं तथा यूपी में अभी लगभग 1000 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कार्य जारी है, जो गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास अर्थात अगले माह दिसंबर में होने से और भी बढ़ जाएगी तथा जेवर एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा फिल्म सिटी आदि प्रोजेक्ट पर भी तीव्र गति से कार्य आगे बढ़ रहा है, जो अति शीघ्र उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे अग्रणी प्रदेश का दर्जा दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गोरखपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी व गोरखपुर मेट्रो परियोजना की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।